नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू, मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूं। मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टीम पावर जनरेटर। देखो दोस्तों, यहां पे आप क्या देखोगे कि काफ़ी देर से काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है। मैंने बैलेंस करने के लिए यहां पे एक वुडन गुटका लगाया हुआ है जिसको कि मैंने ड्रिल करके इसके अंदर होल कर दिया है, और यहां से ड्रिल करके एक नट भी डाला है जिससे कि मैं इसको टाइट कर सकूं। और फिर इसके बाद मैंने क्लैंप लगा के एक मोटर लगा दिया, एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ है। आप वुडन ब्लॉक का साइज़ देख सकते हो, मेरी दो फिंगर्स जितना साइज़ है। आपको इतना एक वुडन ब्लॉक लगाना है। दोस्तों बहुत से मेरे को फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि कैसे बनाना है। दोस्तों अगर आप यह ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल रहा है। ये जो पाइप है ये अप्रोक्सीमेटली 2 फुट का पाइप है, ये पाइप 2 फुट के लगभग का पाइप है। आप ऐसा पाइप एक लेके, लोहे का पाइप लेके उसे एक वुडन प्लेटफॉर्म में ड्रिल कर लो। ड्रिल ही करना है दोस्तों आपको, किसी और तरीके से नहीं टिकाना। नहीं तो होगा क्या कि आपका जो वो ये जो पाइप है ये मतलब अच्छी तरह से मजबूती से नहीं लगेगा। मैं दोस्तों इसको बार बार इसलिए कपड़े को ला रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पानी की कुछ ड्रॉप्स गिर रही हैं। इस मॉडल में पानी की बहुत सी ड्रॉप्स गिरती हैं, आपका मॉडल बहुत ज़्यादा चांसेस है ख़राब हो सकता है। तो बी केयरफुल, आपको एक कपड़ा रखना पड़ेगा अपने मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए। देखो दोस्तों, ये 24 वोल्ट का डायनेमो होता है, आप ध्यान रखिए 24 वोल्ट का ही डायनेमो लेना है आपको, या 24 वोल्ट का कोई मोटर लेना है, उसके बिना ये नहीं चलेगा। आपका इतनी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। आप और अच्छा ज़्यादा वोल्टेज का डायनेमो लेंगे तो शायद हो सकता है आपकी और भी ज़्यादा वोल्टेज बने। यहाँ पे 0.68, 67, 65 इस तरह से आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलेगी। अगर आप इसे किसी कैपेसिटर में चार्ज कर देंगे तो आप उस कैपेसिटर से बाद में इस तरह से बिजली भी ले सकते हैं। आपने देखा है कि अभी हमने स्ट्रीट लाइट्स भी चार्ज करी हुई हैं इसी से, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई। दोस्तों ये मॉडल बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस प्रेशर कुकर में एक किसी भी आपको आयरन वर्क करने वाले के पास जाके ये चीज़ फिट कराना होगा। स्टील एक पाइप फिट कराना होगा इस तरह का, जो कि इसके गैस्केट, जो यहाँ पे गैस्केट होता है, सेफ्टी वॉल्व होता है, उसको निकाल दो। यहाँ पे एक नट बोल्ट लेके उसे ड्रिल कर, मतलब आप खराद वाले के पास जाना पड़ेगा, आपको वेल्डिंग या खराद वालों से काम करवाना पड़ेगा। दोस्तों हमने खुद किया है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, शायद आपको इस तरह के टूल्स ना हो आपके पास, तो आपको खराद वालों से इस काम को करवाना पड़ेगा। यहाँ पे नट बोल्ट लेके उसे ड्रिल कराया जाता, उसको होल के अंदर में डलवाया जाता है, और नीचे से वॉशर लगा के दोनों तरफ से नट बोल्ट लगा के इसको पाइप को फिट कर देते हैं। बहुत टाइट पाइप रिंच से इसे फिट करते हैं। इसके बाद हमने सीलेंट लगाया हुआ है, जो कि आपको पता है एम सील नाम से एक सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, जो पाइप जोड़ने के काम आता है। इस सीटी को आपने कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है आपको, नहीं तो प्रेशर कुकर फट सकता है। आपको इसको ब्लॉक नहीं करना है, इसको ब्लॉक नहीं करना है, अदरवाइज प्रेशर कुकर फट जाएगा और वहाँ खड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। देखो ये 0.6564 जनरेट कर रहा है, क्योंकि अपनी हर डायनेमो की एक वोल्टेज रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है। दोस्तों ये हमने सारा इको फ्रेंडली मॉडल बनाया हुआ है, बस यहाँ खाली एक पेड़ प्लास्टिक का है, बाकी सारा वुडन वर्क किया हुआ हमने। इको फ्रेंडली मॉडल है, जो कि जिसको कि आजकल मतलब रिकमेंड किया जाता है कि आपको ज़्यादातर इको फ्रेंडली सामान रखना है। ये हमने क्लैंप से जोड़ा हुआ है, क्लैंप्स मार्केट में क्रोकोडाइल क्लिप नाम से मिलते हैं या एलिगेटर क्लिप नाम से मिलते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप देखो, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये वोल्टेज ज़ीरो हो गई है। ये डायनेमो जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, मैंने उन दोनों पिंस को यहाँ दे दिया, और जब भी मैं इसको टच करूँगा तो आप देखोगे कि ये जनरेट कर रहा है। अगर मैं इस पंख फैन को रोक देता हूँ, इफ़ आई स्टॉप दिस फैन, तो आप देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। सॉरी, जैसे ही मैं फैन को छोड़ूंगा, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ के फिर 0.6263 के पास आ जाती है। दोस्तों ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बनाने में। आपको थोड़ा सा स्किल्स चाहिए, थोड़ा वेल्डिंग वर्क चाहिए, थोड़ा सा आपको ड्रिल करना आना चाहिए बस वुडन ब्लॉक्स को, क्योंकि ये नॉर्मल हल्के बोर्डों पे नहीं बनता, इसको अच्छे सॉलिड बोर्ड्स पे बनाना होता है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए,
अगर आप इस तरह के मॉडल बनवाना चाहते हैं तो मैं सोनू मॉडल मेकर्स में नोएडा इंडिया से हूँ, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इंडक्शन कुकर बंद करना चाहूँगा, मैं आप देखेंगे जैसे ही मेरा स्टीम रुकेगा यहाँ पे वोल्टेज भी कम हो जाएगी। देखो धीरे धीरे फैन रुक रहा है, धीरे होता जा रहा है मैंने क्योंकि अभी इंडक्शन बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वोल्टेज भी बिल्कुल जीरो के पास हो जाएगी क्योंकि ये डायनमो बिजली बनाना बंद कर रहा है। जितने इसके आरपीएम कम होते जाएंगे उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कम होती जाएगी, जो वोल्टेज मिल रही है वो कम हो जाएगी। डीसी वोल्टेज हम यहाँ गेन कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना इसे एसी वोल्टेज भी कहा जाता है, बहुत से सॉरी गूगल में बहुत सी जगह पे इस तरह से बिजली बनाने को एसी जनरेटर कहा गया है। आपको इसके लिए अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा कि एसी है डीसी है, आपका डिपेंड करता है आप किस तरह की मोटर्स ले रहे हो। दोस्तों अगर आपको कोई और अच्छी वैल्यू की बिजली बनानी हो तो आप इस तरह के मोटर्स भी ले सकते हो जिसमें थोड़ी सी रोटेशन से बिजली आ जाती है। ये जनरली सर्वो मोटर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो आपको ये नेट पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई भी मॉडल बनवाना हो या आपको इस तरह की कोई भी चीज़ आपको मेरे से परचेज करनी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9818479606। मैं हूँ सोनू मॉडल मेकर्स, मैं नोएडा इंडिया से हूँ। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस तरह के और अपडेट्स चाहिए, आपको इस तरह के कोई भी रिसर्च वर्क में किसी भी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको और भी अच्छे वीडियो देता रहूँगा भविष्य में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। एक सेकेंड चालू है अभी।